नमस्कार, ई न्यूज़ एमपी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिनभर की ताज़ा खबरों के साथ। आए दिन बहरी बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए आज स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा अतिक्रमण को व्यवस्थित करने की पहल की गई, जिसके तहत बस स्टैंड व बीच बाजार में अव्यवस्थित सब्जी व्यापारियों को सड़क से हटाकर व्यवस्थित किया गया। साथ ही बस चालकों को निर्देश दिया गया कि बस को स्टैंड में ही खड़ा करें, मार्ग बाधित ना करें और लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बहरी थाना प्रभारी पवन सिंह ने आमजनों से व्यवस्था में सहयोग करने की भी अपील की है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज हजारों की संख्या में चित्रकूट में श्रद्धालु का तांता लगा रहा। पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर भगवान भोले मद गजेंद्र नाथ शिव की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं द्वारा कामदगिरी भगवान की परिक्रमा की गई। सुबह से ही मंदाकिनी घाट में मनोकामना की पूर्ति की कामना हेतु भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरु नानक जयंती पर आज राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया रोड के गुरुद्वारे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचकर माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरु नानक जयंती की बधाई भी दी। वहीं डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि यहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, हम सबका प्रयास है कि किसी भी तरह की जाम की स्थिति ना बने, सभी श्रद्धालु सामान्य तौर पर दर्शन कर सकें। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि जो संदेश गुरु नानक जी ने दुनिया को दिया है वही संदेश हम सब लोग अपने अपने जीवन में अपनाएं, माने और इसी के साथ पुनः सभी को प्रकाश पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, सारे हर तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि किसी भी तरह से यहाँ पे जाम की स्थिति ना बने, लोग जो है श्रद्धालु हर तरह से अच्छी तरह से दर्शन कर पाए, यही व्यवस्था लगी। सर आज रूट प्लान में कोई चेंज रहेगा ट्रैफिक में? नहीं, अभी तो रूट पे नॉर्मल सामान्य ट्रैफिक चल रहा है। अगर भीड़ बढ़ती है और ऐसी स्थिति दिखती तब डाइवर्जेंस करेंगे ताकि किसी तरह का असुविधा ना हो लोगों। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर 10 फॉलोअर्स के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में ना कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही नेता, कांग्रेस केवल वर्चुअल रह गई है और काल्पनिक दुनिया में जी रही है। कांग्रेस इसे आस्था से देख रही है। जहां सभी कामतानाथ के दर्शन करने जाते हैं वहां प्रियंका के दर्शन करने पर कांग्रेस के नेता उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। अब कांग्रेस एक्चुअल कांग्रेस तो रही नहीं है, वर्चुअल कांग्रेस हो गई है और इसलिए अब वो वर्चुअल पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। न तो एक्चुअल नेता रहे उनके यहाँ, न एक्चुअल कार्यकर्ता रहे। काल्पनिक संख्या बढ़ाकर लोगों में फिर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अब कांग्रेसी इसी बात पर जश्न मना लें और ट्वीट करते रहे कि 10 लाख फॉलोअर हो गए। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई कांग्रेस को लाभ हो। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ई न्यूज़ एमपी के साथ। नमस्कार।